पढ़ने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, और स्पोकन इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल वर्ब। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में मॉडल वर्ब के बारे में पढ़े हैं, यूजेस ऑफ कैन। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मॉडल वर्ब एक्चुअली होता क्या है। मॉडल वर्ब में हम ऐसे कामों को बताते हैं जो हमारी मन की इच्छाएं होती हैं, जो हमारी मन की भावनाएं होती हैं, उनको हम मॉडल वर्ब के माध्यम से सामने वाले को बताते हैं। जैसे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खा लेना चाहिए, मेरी इच्छा हो रही है कि मुझे खा लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आई शुड ईट। मुझे सोना चाहिए, इच्छा हो रही है, मन की इच्छा हो रही है, तो आई शुड स्लीप। तुम्हें पढ़ना चाहिए, मैं मन की बात आपको बताई कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यू शुड स्टडी। इस प्रकार से तो जितने भी हमारे मन की गतिविधियों से, हमारी भावनाओं से, इच्छाओं से संबंधित जितने भी हमारे वाक्य होते हैं, उनमें हमें मॉडल वर्ब के प्रयोग देखने को मिलते हैं। आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल वर्ब चर्चा करेंगे, शुड और मस्ट। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं शुड और मस्ट होता क्या है। शुड का हम हिंदी में इसका यदि हम ट्रांसलेशन करें तो इसका प्रयोग होता है चाहिए के लिए। यदि हमको बोलना जैसे कि तुम्हें लिखना चाहिए, हमको किसी को बोलना है, तो हम कह सकते हैं यू शुड राइट। मस्ट का भी प्रयोग हम चाहिए, जब हमको चाहिए बोलना है तो हम शुड भी लगाएंगे और मस्ट भी लगाएंगे, लेकिन इन दोनों में एक थोड़ा सा अंतर होता है, उसको हम समझेंगे। बाकी हम शुड का भी लगा सकते हैं और मस्ट को भी, और हम समझेंगे कि कहाँ पर कौन सा सेंटेंस लगाना है और इनका अलग अलग सेंटेंस इन वर्ड से संबंधित कैसे बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम देखते हैं शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ शुड, शुड का यूज हम करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम सजेशन देने के लिए। हिंदी में सलाह, किसी को हमें सलाह मशवरा देना है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें खेलना चाहिए, तो यू शुड प्ले। अब यदि हम बोल सकते हैं कि तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं यू शुड प्ले क्रिकेट। तुम्हें लिखना चाहिए, बोलना तो यू शुड राइट। अब पोयम लिखना चाहिए, कहना कि तुम्हें कविता लिखना चाहिए, तो यू शुड राइट अ पोयम, तुम्हें एक कविता लिखना चाहिए। मैंने दोबारा कहा कि तुम्हें सुनना चाहिए, तो यू शुड लिसन। अब क्या सुनना चाहिए, ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी कह सकते हैं कि आपको गाने सुनना चाहिए, तो यू शुड लिसन सॉन्ग। अब राहुल को दौड़ना चाहिए, हम बोलना जैसे तो राहुल को हम बोलना, तो राहुल शुड रन, ठीक है, राहुल को नॉट चाहिए। हिंदी इनका देख लेते हैं, यू शुड प्ले क्रिकेट, तुम्हें खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। अब यहाँ पे चाहिए आ गया ना, तो शुड का हिंदी में जब हम अनुवाद, जब इसका हम अनुवाद करते हैं हिंदी में, तो चाहिए आता है ट्रांसलेट करते हैं। तुम्हें लिखना चाहिए, तो यू शुड राइट, है ना, तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। इस प्रकार से अब हम मस्ट का प्रयोग कब करते हैं, शुड का तो देख लिए, मस्ट का प्रयोग भी चाहिए के लिए होता है, लेकिन यहां पर हम किसी को ऑर्डर देने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि ऑर्डर कोई दिए, जैसे हमने कि तुम्हें बोलना चाहिए, तो You must speak। तुम्हें काम करना चाहिए, You must work। ठीक है, इसके अलावा
जब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं तो जिस काम को भी हम मस्ट का प्रयोग करके बताते हैं तो उस काम को करना कंपलसरी होता है, मतलब कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। जैसे तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, यू मस्ट राइट, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे लिखा है कि यू शुड राइट, तुम्हें लिखना चाहिए। अब मैंने सलाह दे दिया एक कि आपको लिखना चाहिए, अब आपकी मर्जी आप लिखो या ना लिखो, एक सलाह है। हम किसी को सलाह देते हैं तो सामने वाले के पास ऑप्शन होता है कि वो करे अथवा ना करे। लेकिन जब हम मस्ट लगाकर किसी को किस चीज़ बोलते हैं, इसका मतलब कि उसे वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। जैसे मैंने बोला कि आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू मस्ट हैव टू वॉच फुल वीडियो। और यदि मैं बोलूं कि आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू शुड वॉच फुल वीडियो। अब मैं शुड लगा के बोलूंगा तो आपकी मर्जी आप देखें या ना देखें, लेकिन यदि मैं मस्ट लगा के बोलूं इसका मतलब मैंने आपको कहा कि आपको देखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से मस्ट का प्रयोग जैसे हम ले सकते हैं, यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना ही चाहिए। यू मस्ट ईट फ्रूट, तुम्हें फल खाने ही चाहिए। यू मस्ट वॉच क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट देखना ही चाहिए। तो इसका प्रयोग हम करते हैं चाहिए बस के लिए नहीं, जब हम बोलना ही चाहिए मतलब कि वो चीज करना ही पड़ेगा, तब हम मस्ट लगाएंगे। यदि हम सजेशन दे रहे हैं, नॉर्मल सजेशन, नॉर्मल सलाह दे रहे हैं, किसी को राय दे रहे हैं, तो हम लगा सकते हैं शुड। एक में जैसे मैंने बोला कि मुझे पढ़ना चाहिए तो आई शुड स्टडी, आई मस्ट स्टडी, ये बोल दूंगा मतलब मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे आपके टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया, तब आपके टीचर आपको बोलते हैं यू मस्ट हैव टू कंप्लीट दिस होमवर्क, मतलब आपको वो होमवर्क कंप्लीट करना ही पड़ेगा। यदि टीचर ने आपको कोई काम करने को बोला, इसका मतलब कि वो चीज आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि टीचर बोलते हैं यू मस्ट हैव टू कम स्कूल इन यूनिफॉर्म, आपको यूनिफॉर्म में ही स्कूल आना है, इसका मतलब मस्ट लग गया है, मतलब वो चीज आपके लिए जरूरी हो गई, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे आपने किसी को हर्ट कर दिया तो आपसे सामने वाला बोल रहा है कि भाई तुमने उसको बहुत ज्यादा दुखी कर दिया है, अब जाकर उससे माफी मांग लो। माफी मांगना है तो आपको उसके लिए बोला जाएगा कि यू मस्ट हैव टू अपोलाइज फॉर योर मिस्टेक, आपको अपने गलती के लिए माफी मांगनी ही चाहिए, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी प्रकार यदि शुड को लगा दिया जाएगा कि यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, आपको अपने गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए, अब वहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको या तो हाँ या ना बोल सकते हो, यस और नो, आपके पास दो ऑप्शन है। यदि आप इच्छा है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, लेकिन मस्ट में आपको यस ही बोलना पड़ेगा, मतलब आपको ऑर्डर मिला है, हुकुम है, ठीक है, उसको पूरा करना ही पड़ेगा। यह होता है हमारा शुड का प्रयोग और मस्ट का प्रयोग। इससे सेंटेंस हम इससे संबंधित सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे संबंधित हमारे सेंटेंस कैसे बनते हैं, देखिए, शुड में सेंटेंस बनाने के लिए हमको सिंपल ही स्ट्रक्चर रखना है, ज्यादा कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा अफर्मेटिव सब्जेक्ट, मतलब सिंपल सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस में। जैसे कि इसका एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि आई शुड
होना चाहिए बोलना है तो आई टू सिलेक्शन का। इसी का यदि नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसी का आई शुड नॉट स्लीप, मुझे नहीं सोना चाहिए। इसी को यदि हम इंट्रोगेटिव बनाए तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? शुड आई स्लीप, क्या मुझे सोना चाहिए। उसके बाद है डब्ल्यू एस सी बना सकते हो आप, व्हाट वेयर व्हेन हूज हूम, जैसे कि आप डब्ल्यू एस लगा दोगे प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट, इसका क्या हो जाएगा? वेयर I sleep, मुझे कहाँ सोना चाहिए। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं। एक ही बार एक ही प्रकार का टाइप का सेंटेंस है, उससे हम चार प्रकार के सेंटेंस का निर्माण कर लिए। अब आपको ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखकर आपको बना सकते हो कि मुझे खाना चाहिए I should eat, मुझे दौड़ना चाहिए आई शुड रन, मुझे चलना चाहिए आई शुड वॉक, मुझे पढ़ना चाहिए आई शुड स्टडी, मुझे सुनना चाहिए आई शुड लर्न, मुझे लिखना चाहिए आई शुड राइट, मुझे घूमना चाहिए, मुझे उठना चाहिए आई शुड अवेक, मुझे बोलना चाहिए आई शुड स्पीक, मुझे नहाना चाहिए आई शुड वॉक, मुझे खाना पकाना चाहिए तो आई शुड कुक। इस प्रकार से मस्ट का भी प्रयोग हम इसी प्रकार से लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस ऑब्जेक्ट, आई मस्ट बी, इस प्रकार से। यहां पर वर्ब भी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे शुड फिर वर्ब प्लस नॉट प्लस, इस प्रकार से हमें बनाना चाहिए। अब हम मस्ट का देखेंगे। मस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि मुझे पढ़ना ही चाहिए तो आई मस्ट स्टडी इन क्लासरूम, इन होम, इन ट्यूशन, इन कोचिंग, इन कॉलेज, कुछ भी आ गया इसके सब सब्जेक्ट, ठीक है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी ही चाहिए। यू मस्ट स्लीप, तुम्हें सोना ही चाहिए। यू मस्ट प्ले, तुम्हें खेलना ही चाहिए, इस प्रकार से। और इसी में हम नेगेटिव बना सकते हैं, यू मस्ट नॉट, है ना, नॉट लगाकर। और याद रखिए, जब भी हमको शुड और मस्ट का सेंटेंस बनाना हो तो हमें सबसे पहले उसको ये याद रखना चाहिए कि हमारे बोलने का उद्देश्य क्या है, कि हम उसको सजेशन देने के रूप में बोलना चाहते हैं या फिर उसको ऑर्डर देने के रूप में, या फिर उसको किसी को, यदि हमको जैसे डेडलाइन बताना है, किसी काम की डेडलाइन बताना है कि हमको दो दिन के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है, तो यू मस्ट हैव टू सबमिट दिस इन टू डेज, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने और इससे संबंधित नोट्स बनाने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।